तो आज की ये वीडियो कल होने वाले क्राउन ज्वेल पे पर व्यू से रिलेटेड है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्राउन ज्वेल में कौन कौन से मैचेस हमें देखने को मिलेंगे, कौन कौन से सुपरस्टार जीतने वाले हैं और साथ ही साथ क्या क्या सरप्राइजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। बाकी ब्रॉक लेसनर का क्या सीन है, क्या वो क्राउन ज्वेल के अंदर आएंगे या फिर नहीं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले, आई मीन वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्राउन ज्वेल की डेट एंड टाइमिंग, कि आप कब और कितने बजे लाइव देख सकते हो क्राउन ज्वेल को। तो क्राउन ज्वेल को आप इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से 4 नवंबर की रात 9:30 बजे से सोनी 10.1 एंड 10.3 पर बड़े ही आराम से देख सकते हो। अब चलते हैं क्राउन ज्वेल के मैच कार्ड की तरफ। तो सबसे पहले तो सेथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर के अगेंस्ट, और इस मैच में वही फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि सेथ रॉलिंस के हारने के काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं। और इस मैच के अंदर WWE एक वाव मूवमेंट भी डाल सकती है, जो कि है डेमियन प्रीस्ट का मनी इन द बैंक कैश इन। एंड बात करें प्रेडिक्शन की, तो मेरी यहाँ पर प्रेडिक्शन जाती है सेथ रॉलिंस के साथ, कि सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली डिफेंड कर लेंगे। नेक्स्ट मैच की बात करें तो रिया रिपली अपनी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाली है एक फाइटल फाइव वे मैच में जोए स्टार्क, नाया जैक्स, शाइना बेजर एंड रैकल रॉड्रिगेज के अगेंस्ट। एंड इस मैच को रिया रिपली जीतने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट है। इसी के साथ इयो स्काई भी अपना टाइटल डिफेंड करेंगी अगेंस्ट बियांका ब्लेयर, और इस मैच में मुझे लगता है कि कैसे ना कैसे करके इयो स्काई इस मैच को जीत लेगी, चाहे वो डैमेज कंट्रोल की इंटरफेरेंस हो या फिर किसी और सुपरस्टार की भी यहाँ पर इंटरफेरेंस हो सकती है। नेक्स्ट मैच जो कि है सैमी ज़ेन वर्सेस जेडी मैडोना के बीच, पता नहीं भाई ये मैच क्यों डाला है यार WWE ने, मैं तो भाई सच में यार बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ इसको लेकर। और बाकी इस मैच का रिजल्ट आप सबको पता ही होगा, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। नेक्स्ट मैच कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच होने वाला है। ये मैच भी मुझे कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि 2-3 महीनों से जजमेंट डे वर्सेस कोडी रोड्स की ही स्टोरी चली जा रही है कंटिन्यूसली, वी नीड समथिंग डिफरेंट यार। बाकी इस मैच को ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ही जीतने वाले हैं डेमियन प्रीस्ट को हराकर। अगला मैच है लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच, एंड ये मैच होने वाला है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। अगर इस मैच में देखा जाए तो लोगन पॉल कभी चैंपियन नहीं बने हैं आज तक WWE के अंदर, एंड यहाँ पर WWE लोगन पॉल को एक मिडकार्ड टाइटल के लिए रन दे सकती है। बाकी मेरी प्रेडिक्शन भी यहाँ पर लोगन पॉल के साथ ही जाती है कि लोगन पॉल बन जाएंगे न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन एट क्राउन ज्वेल। उसके बाद मैच आता है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का, जो कि हो रहा है ब्लडलाइन के सोलो सिकुआ के साथ। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जॉन सीना के लिए ये मैच जीतना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और भाई वो फुल जोश में भी हैं कि मैंने इस मैच को जीतना है कैसे भी कैसे करके। अगर बात करें ऑड्स की, तो यहाँ पर दोनों के बीच काफी तकड़ा वाला कंपटीशन चल रहा है, सोलो सिकुआ कुछ ही नंबर से आगे हैं जॉन सीना से, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर WWE शायद से जॉन सीना को एक विक्ट्री दिला सकती है सोलो सिकुआ के अगेंस्ट। बाकी आप अपनी प्रेडिक्शन भी ड्रॉप करना इस मैच को लेकर के कौन जीतेगा, क्या 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना या फिर सोलो सिकुआ। अब बात करते हैं क्राउन ज्वेल के मेन इवेंट के बारे में, जो कि है रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट के बीच, एंड ये मैच होने वाला है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और भाई इस मैच को लेकर एले नाइट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो डिथ्रोन करेंगे रोमन रेंस को, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ऑड्स के हिसाब से एले नाइट का दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं है कि वो रोमन रेंस से जीतेंगे। तो यहाँ पर रोमन रेंस बहुत ही बड़े डिफरेंस के साथ आगे हैं एले नाइट से, तो मैं भी यहाँ पर रोमन रेंस के साथ ही जाना चाहूंगा कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली डिफेंड कर लेंगे। अब बात करते हैं क्राउन ज्वेल में मिलने वाले सरप्राइजेस की। तो यहाँ पर एक नाम ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा तकड़ा रूमर्ड है कि वो WWE में अपनी वापसी कर सकता है क्राउन ज्वेल के अंदर, वो नाम है द वाइपर द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन का। बाकी शायद से एजे स्टाइल्स भी रिटर्न आ सकते हैं क्राउन ज्वेल के अंदर, एंड वो रोमन रेंस को कन्फ्रंट करने वाले हैं। एंड इसी के साथ ग्रेसन वॉलर इफेक्ट को भी डालने का प्लान कर रही है WWE अपने क्राउन ज्वेल पे पर व्यू के अंदर। एंड पता है वहाँ पर कौन आने वाला है गेस्ट बनकर? वहाँ पर आने वाले हैं रोनाल्डो, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है रिसेंटली। भाई सच बता रहा हूँ, अगर रोनाल्डो WWE में आ गया तो भाई लिटरली बवाल मचने वाला है, लिटरली इतनी ज्यादा रेटिंग्स हाई हो जाएंगी ना WWE की, भाई आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। बाकी आप में से बहुत सारे लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि भाई ब्रॉक लेसनर का क्या सीन है, क्या वो आने वाले हैं क्राउन ज्वेल के अंदर या फिर नहीं आने वाले। तो देखो, ऐसा पहली बार हो रहा है कि WWE का क्राउन ज्वेल पे पर व्यू है और ब्रॉक लेसनर इसका पार्ट नहीं है। इसका रीजन भी आप सुन लो, तो क्योंकि क्राउन ज्वेल के लिए ट्रिपल एच के अकॉर्डिंगली ऑलरेडी स्टार पावर काफी ज्यादा है कि रोमन रेंस है, एले नाइट है, जॉन सीना है, कोडी रोड्स है, इसलिए ब्रॉक लेसनर को अप्रोच नहीं किया है WWE ने। यहाँ बात करें अगर ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की, तो वो रिटर्न आपको सीधा रॉयल रंबल के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। मैं तो भाई सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्राउन ज्वेल को लेकर। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो एंड आप किस मैच का सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, बताना जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी अगर आप क्राउन ज्वेल का रिव्यू देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आपको यहीं पर हिंदी में देखने को मिल जाएगा क्राउन ज्वेल का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड WWE की और अपडेट्स जानने के लिए बिना किसी टेंशन के चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो मेरी जान।